हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी बने। दोस्तों आज मैं आपको मैं सिखाऊँ कि हम सब लोग कैसे अपने मोबाइल का लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे जैसे कि हम लोग का कभी कहीं मोबाइल गिन जाता खो जाता है तो हम लोग को पता नहीं रहता, तो हम सब लोग उसका लोकेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते दूसरे के मोबाइल। आइए दोस्तों मैं आपको मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग को अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद हम लोग को इसको अपने मोबाइल में ओपन करके ही रखना है। ये परमानेंट होना चाहिए आपके मोबाइल में। ये आपको अपने मोबाइल में ओपन करना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं तो आपका मोबाइल का अकाउंट IME नंबर से पता कर सकता है। IME नंबर के बावजूद जैसे कि आप पुलिस के पास गए कुछ नहीं हुआ, तभी भी आपको अगर अपने मोबाइल का पता लगाना है कहाँ है मेरा मोबाइल, उसको चाहिए वरना उसके अंदर का डाटा उठाना, तो हम सब कैसे कर सकते हैं इसके लिए हम लोग को सबसे सेटिंग में जाना होगा, एक्सचेंज में जाना होगा। सिक्योरिटी एंड लॉक में जाना होगा। सिक्योरिटी लॉक में जाने के बाद यहाँ पे फाइंड माई डिवाइस पे क्लिक करना होगा। फाइंड माई डिवाइस को यहाँ पे इनेबल, यहाँ में आपको मैं का ऑफ होगा, यहाँ पे आपको इसको ऑन कर देना है। यहाँ पे आपका आ जाएगा फाइंड माई डिवाइस ऐप गेट ऑन गूगल। आप इसको गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। फाइंड माई डिवाइस वेबसाइट भी है, जैसे कि हमारे यहाँ प्ले स्टोर में है हम लोग का। जैसे कि हम सब यहाँ पे अपना फाइंड माई डिवाइस लिखेंगे, माई फ़ोन माई डिवाइस वो आ जाएगा। फाइंड माई डिवाइस ये दोस्तों आपका यहाँ पे मिल जाएगा। मैं दोस्तों इसका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। अब आपको जैसे कि आपके पास स्पेस भी इतना नहीं है, आप दूसरे के मोबाइल में अपना मोबाइल पता लगा सकते हैं कहाँ पे है उसको, उसका डाटा ही नहीं, कैसे किया जाए इसके लिए हम लोग को, आप इस ऐप को नहीं डाउनलोड कर सकते उसके मोबाइल स्पेस नहीं, तो हम इसको क्रोम में आपको मैं सिखाऊँगा। यहाँ पे हम लोग को सर्च करना है। यहाँ पे हम लोग को सर्च करना है फाइंड माई डिवाइस। यहाँ पे आ चुका है फाइंड माई डिवाइस। यहाँ पे हम लोग को ऐसे दिखाएगा। यहाँ पे ये मेरा मोबाइल है Xiaomi 6 1। यहाँ पे मेरा दिखा रहा है निंगिन। यहाँ पे मैं देखिए मैं निंग में करूँगा। यहाँ पे मेरे मोबाइल में निंग दिखाएगा कहाँ पे फ़ोन है, मेरे में लिंक दिखा देगा। तो सकते ये बजना है, अगर आपको मोबाइल दिखा देगा इसको मैं बंद में भी, यहाँ पे हम लोग का दिया होगा फाइन, इसके ऊपर भी क्लिक करने सोच रहे वरना यहीं पे सही में मेरे में थोड़ा वैसे नहीं दिखाना है, क्लिक कर देना है आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग को यहाँ फाइंड माई डिवाइस इसके ऊपर क्लिक कर देना, हम लोग को वेबसाइट ओपन हो जाएगा। वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ पे हम लोग आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा वो इनके दिखा दिया है किस लोकेशन में है, सब यहाँ पे दिखा देगा। NCN का जितना है मैंने में मेरा नेपाली सिंगर प्ले सॉन्ग सिक्योरिटी ऑफ योर डिवाइस। यहाँ पे हम समझ जाएंगे रिमूव मैसेज, रिमूव फ़ोन नंबर जो भी आप लोग को यहाँ पे रिमूव करना, वहाँ पे आप अपना ऐड मैसेज एंड फ़ोन नंबर वरना आप अपना यहाँ पे लिख के सिक्योरिटी डिवाइस आप मान सकते हैं, अपने डिवाइस को सिक्योरिटी कर सकते हैं अगर आपका मोबाइल है ना जाए या फिर कहीं गिन जाए खो जाए कोई ले लिया आपका मोबाइल, आप यहाँ पे ऐसे करके आप अपने मोबाइल को सिक्योरिटी कर सकते हैं। तो दूसरे भी अकाउंट से यहाँ पे मैनेज योर अकाउंट यहाँ पे आप सब दूसरे भी अकाउंट से लॉगिन करके पता लगा सकते हैं हम लोग का। यहाँ पे आप सुनो ऐसे क्लिक करके यहाँ पे आप लोग का लोकेशन दिखा देगा कहीं पे होगा आपका मोबाइल, तो यहाँ पे आपको लोकेशन दिखा देगा कोई सा भी जगह में होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप यहाँ पे सिक्योरिटी डिवाइस, यहाँ पे अपने डिवाइस को सिक्योरिटी दे सकते हैं। आप अपने मोबाइल नंबर फ़ोन नंबर कोई हमारा जान ना सके, कोई मेरा मोबाइल नंबर फ़ोन नंबर आप यहीं से ब्लॉक कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर को उसको बंद कर सकते हैं, अपना मैसेज नंबर जो भी आपका फेसबुक हो सब आप यहीं से बंद कर सकते हैं।
इसी ऐप से, इसी वेबसाइट से। दोस्तों मैं इस वेबसाइट का लिंक में भी आपको मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप सब अपना मोबाइल फाइंड कर सकते हैं। अब ऐसा बात होता है कभी कभी हमारे लोग को अपना गूगल अकाउंट पता नहीं होता, तो हम लोग को अपना जी मेल अकाउंट याद रखना चाहिए। तो सब किसी के भी मोबाइल में ऐसे करके किसी के भी मोबाइल में अपना गूगल जी मेल अकाउंट बना के उसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज फ्रेंड्स चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साइड में बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।